हर महीने हम 50 मुर्गियों से 1000 रुपए जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अमाउंट है। 50 मुर्गियों के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत होगी, हमें पूरे महीने कितने अंडे मिलेंगे, अंडा कितने में सेल होगा, हमें 50 मुर्गियां रखनी है तो उसके लिए हमें कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, लोमन ब्राउन के अंडे में और व्हाइट लेयर के अंडे में क्या प्राइस डिफरेंस आता है। वुमन जो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या घर की छत पे या सहन में 50 मुर्गियां रख के कारोबार किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उससे हम कितने पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स से बात करूंगा जिससे इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। नंबर वन पॉइंट पे हम ये बात करेंगे कि हमें ब्रीड कौन सी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि हमें कितनी जो है जगह रिक्वायर्ड होगी 50 मुर्गियों के लिए। इसके बाद हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे कि 50 मुर्गियों के लिए हमें कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हम 50 मुर्गी की प्रोडक्शन पे बात करेंगे कि कितने अंडे जो है 50 मुर्गियां दे सकती हैं, और फिर फाइनली हम जो है वो इसकी जो अंडों का रेट है कि कितने में आप अंडे सेल कर सकते हैं और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें ब्रीड कैसे सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पे लोमन ब्राउन को सेलेक्ट किया है, उसकी वजह यह है कि ये एक कमर्शियल ब्रीड है और एग लेइंग के हवाले से इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तकरीबन जो है ये 320 के करीब अंडे देती है साल में, तो ये जो एक बहुत अच्छा फिगर है। और आप कह सकते हैं कि महीने में आपको इजीली से 25 अंडे जो है वो मिल सकते हैं। जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं जिसके हिसाब से इसको रखना चाहिए लोमन ब्राउन को, अगर वो हम प्रोटोकॉल्स को पूरा करेंगे तो ये इजीली जो है वो 25 अंडे तक देती है। दूसरी चीज़ ये कि ये ब्रीड ब्राउन अंडा देती है, जो कि हमारी अमूमन जो है वो लोग ब्राउन अंडे को पसंद करते हैं। ब्राउन अंडा जो है वो वाइट अंडे के मुकाबले में उसकी प्राइस भी अच्छी होती है। अगर वाइट अंडा मिसाल के तौर पे 30 रुपए का है तो ब्राउन अंडा आपका इजीली 35 रुपए में सेल हो सकता है। तो ब्राउन अंडे की सर्दियों में मार्केट बहुत अच्छी होती है। तीसरी चीज़ ये कि बीमारियों से लड़ने की इस ब्रीड में सलाहियत है। ये इतनी सेंसिटिव ब्रीड नहीं है, इसको हम इजीली घर पे रख सकते हैं। दूसरी ब्रीड के मुकाबले में इसमें सलाहियत ज़्यादा होती है बीमारियों से लड़ने के लिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर हमें 50 मुर्गियां रखनी है तो उसके लिए हमें कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी। देखिए, एक अडल्ट जो मुर्गी होती है, जो तैयार मुर्गी होती है, उसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो 1.5 स्क्वायर फीट की स्पेस हमें रिक्वायर्ड होती है, यानी कि 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की एक जगह होनी चाहिए जिसमें हम एक मुर्गी को रख सकें। तो इस हवाले से अगर आप 50 मुर्गियाँ रखते हैं तो आपके पास 75 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। तो अगर 75 स्क्वायर फीट को अगर मैं पैमाइश में लूँ, लेंथ इनटू विड्थ में लूँ, तो मुझे तकरीबन 10 बाय 8 फीट की जो है जगह चाहिए होगी, जो कि इजीली जो है वो किसी भी घर में जहाँ पे छत है वहाँ पे इजीली जो है वो मैसर आ सकती है वो जगह। तो 50 मुर्गियाँ आप इजीली 10 बाय 8 फीट की जगह पर रख सकते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि 50 मुर्गियों के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की क्या ज़रूरत होगी। देखिए, इस वक्त जो लोमन ब्राउन स्टार्टर मुर्गी है जिसकी प्रोडक्शन आपको 20 से लेकर 50% के दरमियान मिल रही है, वो आपको ईजिली जो है वो अच्छी बर्ड जो है वो 2200 रुपये की मिल जाएगी। तो 50 मुर्गियों को अगर मैं 2200 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास तकरीबन इन्वेस्टमेंट आती है इसमें मुर्गियों की जो बाइंग हमें करनी है वो 1,10,000 रुपये की करनी है। इसके बाद हमें इनिशियली एक बैग परचेज करना होगा फीड कैन के लिए। जो 50 केजी का बैग है वो तकरीबन 6,500 रुपये का आपको मिलेगा, ताकि इनिशियली आपके पास फीड मौजूद हो। अच्छा, एक्सपेंसिस में यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड नहीं करी है, वो है पिंजरे की कॉस्ट। वो मैंने यहाँ पे यूँ ऐड नहीं करी कि देखें डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कॉस्ट जो है वो पिंजरे की आ सकती है, तो हम एक स्पेसिफिक कॉस्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो मैं इसको हटा के कैलकुलेशन करूँगा और पिंजरे की कॉस्ट को मैं एसेट्स में रखूँगा, तो वो एक आपके पास एक एसेट के तौर पे आप कभी भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उससे हट के हम जितनी भी है वो कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। उसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि एक मुर्गी जो है वो दिन में कितनी फीड खाती है। एक मुर्गी जो है वो दिन में तकरीबन 100 ग्राम जो है वो फीड खाती है। तो इस हवाले से अगर हम कैलकुलेशन करें 50 मुर्गियों पर, तो 50 मुर्गियाँ एक दिन में जो है वो 5 किलो फीड खाएंगी, यानी कि 5,000 ग्राम जो है वो फीड खाएंगी। इसी को अगर हम मंथली पे लेके चले आएँ कि पूरे महीने में जो है वो मुर्गियाँ कितनी फीड खाएंगी, तो पूरे महीने में जो मुर्गियाँ तकरीबन 150 केजी जो है वो फीड खाएंगी। तो 150 केजी को अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ कि हमारे पूरे महीने के आखिर में जो है वो हमें फीड का एक्सपेंस क्या आएगा, तो वो तकरीबन 19,500 रुपये की हमारी फीड जो है वो पूरे महीने कंज्यूम होगी। इसके अलावा कुछ और एक्सपेंसिस भी हैं, जैसे मेडिकेशन हो गई है, इसकी दवाएँ हो गई हैं, मल्टी विटामिन हो गए हैं, अगर वो भी इसमें हम शामिल करें तो तकरीबन 3,500 रुपये महीना अगर वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है, जो 50 मुर्गियों की टोटल कॉस्ट एक महीने की आपको पड़ेगी, वो पड़ेगी 23,000 रुपये। अब इसमें मैंने लेबर शामिल नहीं करी है, क्योंकि 50 मुर्गियों में अगर आपने काम करना है तो फिर खुद करना है। अगर आप इसमें भी लेबर ऐड करेंगे तो फिर आपको फिर आगे कुछ नहीं बचना। तो ये बेसिकली मिनिमम पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की, कि हमें पूरे महीने कितने अंडे मिलेंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि एक साल में तकरीबन 320 के करीब अंडे देती है, तो अगर मैं इसका एक परसेंटेज निकालूँ तो तकरीबन ये 87% जो है वो इसकी प्रोडक्शन आती है। तो अगर मैं 87% के हिसाब से भी इसकी प्रोडक्शन लूँ तो
50 मुर्गियों पे मुझे तकरीबन 43 एग्स जो है वो डेली के मिलेंगे, और इन 43 एग्स को अगर मैं महीने पे लेके जाऊँ तो मुझे तकरीबन महीने के 1290 अंडे जो है वो मिलेंगे। अब इसमें अंडों में कुछ ख़राबी भी हो सकती है, कुछ अंडे ख़राब भी हो सकते हैं, कुछ अंडे ब्रेक भी हो सकते हैं, तो अगर मैं इसमें लॉस करूँ 5% का, तो हमारे पास जो अंडों की मिकदार आती है महीने के एंड में वो है 1225, यानी कि 1225 हमें टोटल 50 मुर्गियों से अंडे मिलेंगे महीने के आखिर तक। अब बात कर लेते हैं अंडे की प्राइस की, कि अंडा कितने में सेल होगा। अच्छा, लोमन ब्राउन के अंडे में और वाइट लेयर के अंडे में क्या प्राइस डिफरेंस आता है? वुमन जो वाइट लेयर का अंडा होता है ना, उससे तकरीबन 4 से 5 रुपए ऊपर में आराम से जो है वाइट अंडा सेल हो जाता है। तो पीक अगर हम देखें, अगर जो वाइट अंडे की अगर पीक 35 रुपीस पे जाती है, तो आप इजीली जो है वो 40 रुपीस का अंडा लोमन का सेल कर सकते हैं, और सेल हुआ भी है। लास्ट ईयर इजीली जो है वो 40 रुपए का जो है लोमन ब्राउन का अंडा सेल हुआ, और अभी भी जो है वो इजीली 35 रुपए का जो है अंडा ब्राउन अंडा सेल हो रहा है। तो अब चूंकि सीजन आ गया है अंडों का, तो अब इसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही है, और ये आगे जब पीक होगी इसकी तो तब तक इसकी प्राइस बढ़ती रहेगी। अब इसमें जो अंडे का साइज है वो बड़ा मैटर करता है। हम यहाँ पे जो अंडे के साइज की बात कर रहे हैं वो तकरीबन 55 से 60 ग्राम का जो है वो लोमन ब्राउन के अंडे की बात कर रहे हैं, और लोमन ब्राउन जब अपनी पीक प्रोडक्शन पे आती है तो उमूमन वो इजीली जो 55 से 60 ग्राम का अंडा देती है। तो इस अंडे की कॉस्ट अगर हम 40 रुपए रखते हैं और थ्रू आउट द सीज़न रखते हैं, जैसे अभी सितंबर का महीना जो है वो चल रहा है, अगर हम अक्टूबर से भी कैलकुलेशन करते हैं, अक्टूबर से लेके हम फरवरी तक की या मार्च तक की कैलकुलेशन करते हैं कि हमें 40 रुपए के हिसाब से अंडा सेल करना है या सेल होगा हमारा, तो हमारे जो टोटल 50 रुपए के जो अंडे आए थे 1225, उसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 40 करें तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आएगी 49,000, यानी कि पूरे महीने में हमारे 49,000 के जो अंडे सेल होंगे। हमारा एक्सपेंस जो था वो 23,000 था, तो अगर हम इसको लेस करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 26,000 रुपीज़। तो हर महीने हम 50 मुर्गियों से 26,000 रुपये जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अमाउंट है, अगर आप घर पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो 50 मुर्गियों से आप जो इजीली 25 से 26,000 रुपये कमा सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ ये कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई है वो कितने अरसे में जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर आएगी। तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन 6 महीने की करता हूँ, यानी कि आप इससे 6 महीने तक जो प्रोडक्शन लेंगे और अंडे सेल करेंगे, उसके बाद वो आप मुर्गी सेल कर देंगे, तो आपको टोटल जो है वो इस बिज़नेस से क्या अर्न होगा। तो 26,000 हमारी मंथली इनकम है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये हमारे पास फिगर आती है 1,56,000, यानी कि इन 6 महीनों में आप 1,56,000 रुपये जो है वो अर्न करेंगे। आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई थी वो हुई थी 1,16,500 रुपये। अब इसमें से अगर मैं लेस करूँ 1,16,500, तो मेरे पास अमाउंट आती है 39,500, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट जो आपने करी थी उसको बाहर करने के बावजूद, यानी इन्वेस्टमेंट निकालने के बावजूद, आपके पास जो है वो 39,500 रुपीज़ जो है वो बचते हैं। अब 39,500 रुपीज़ आपका प्रॉफिट है, और इसके बावजूद आपके पास मुर्गी भी मौजूद है, तो मुर्गी भी आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप गर्मियों में अंडों का कारोबार नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं अपनी मुर्गी सेल कर दूं, तो ये वेट के हिसाब से इजीली जो है वो सेल की जाती है। नॉर्मली जो अडल्ट मुर्गी होती है लोमन की, वो तकरीबन 2 किलो तक जो है वो उसका लाइव वेट होता है। तो पर केजी के हिसाब से भी अगर आप उसको सेल करते हैं, और आप उसको मिनिमम भी मैं कहता हूँ अगर 1200 रुपये पर पीस के हिसाब से भी आप सेल कर देते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ 45 मुर्गियाँ हमारे पास जो है वो आखिर तक बची हैं जिनको अब मुझे सेल करना है। तो 1200 को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास जो मुर्गियों की अमाउंट आती है वो है 54,000। दोनों सूरतों में आप कारोबार कर सकते हैं इसको। अगर आप रेगुलरली 12 महीने करना चाह रहे हैं तो आप 12 महीने भी कर सकते हैं। जो हमने सर्दियों की कैलकुलेशन करी उसमें 26,000 रुपये महीने के हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं, और अगर आप इसको आखिर में मुर्गी सेल करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बाइंग महंगी थी, 2200 रुपये के हिसाब से आपकी बाइंग थी, और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं 1200 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट वहाँ पे कट होगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप पूरे साल सेल करना चाहते हैं या उसको सेल कर सकते हैं, आपने मार्केट में अपनी जगह बना ली है, तो आप पूरे साल भी इसको सेल करें, फिर भी गर्मियों में ये अंडा आपको प्रॉफिट देगा, और जो उसकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो आप इसको अगर हाफ भी कर लें, यानी कि 26,000 रुपये अगर आप सर्दियों में बना रहे थे इससे प्रॉफिट, तो आप इसको हाफ भी कर लें तो 13,000 रुपये महीने का फिर भी इससे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अब ज़रा वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं कि क्या 50 मुर्गियों से घर पे लोमन ब्राउन से बिज़नेस किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, और इससे आप सीज़न में जो पीक सीज़न होता है उसमें आप इजीली 25 से 26,000 रुपये कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडियल कंडीशन में ये कैलकुलेशंस हैं, यानी कि लोमन के जो प्रोटोकॉल्स हैं अगर आप उनके हवाले से रखेंगे तो आपको ये प्रोडक्शन मिलेगी, और जितनी अच्छी प्रोडक्शन आपको मिलेगी उतना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। बाकी इसके अलावा इसमें बहुत से और भी पॉइंट्स हैं कि कौन सी फीड हमें देनी है, किस तरीके से फीड देनी है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं लोमन के, तो वो एक डिफरेंट वीडियो के टॉपिक्स हैं। अभी यहाँ पे बेसिकली बात करने का मकसद ये था कि हमें एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्कस करनी थी 50 मुर्गियों की। तो आई होप दोस्तों बहुत सी चीज़ें आप दोस्तों को इस वीडियो के हवाले से क्लियर हो गई होंगी,
और आपके इसमें क्या कमेंट्स हैं, क्या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ इसमें मिस है तो आप कमेंट्स में लाजमी जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का ब्लॉग, आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़।